नाबालिग बच्चे को युवक ने कुएं में लटकाया। तो आइए जानते हैं इस दिल दहला देने वाली घटना के बारे में। मध्य प्रदेश के छतरपुर से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां पर मोबाइल चोरी के शक में एक नाबालिग बच्चे को कुएं में लटका दिया गया। इस दौरान बच्चे को बार बार अपना जुर्म कबूल करने के लिए कहा जाता रहा और चोरी हुए मोबाइल के बारे में पूछा गया। बताया जा रहा है कि कुएं में 14 फीट ऊपर तक पानी भरा था और इस घटना के बाद बच्चा सदमे में है। वायरल वीडियो में सुनाई दे रहा है कि 12 साल का मासूम रहम की भीख मांग रहा है, लेकिन आरोपी उस पर बिल्कुल भी रहम नहीं कर रहा। वीडियो को देखकर साफ पता चल रहा है कि एक चूक से बच्चे की जान भी जा सकती थी। इस पूरे घटना में सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात पुलिस का रवैया रहा। बताया जा रहा है कि जिस नाबालिग ने इस घटना का वीडियो बनाया था, थाने ले जाकर पुलिस ने उसे पीटा। एसपी सचिन शर्मा ने ऑफ कैमरे में बताया कि 12 साल के बच्चे को चोरी के शक में कुएं में लटकाए जाने का मामला सामने आया, जांच की जा रही है, दोषी के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। वहीं बच्चे की मां का कहना है कि आरोपी अजीत उनके बच्चे का हाथ तोड़ देता या गलती से हाथ छूट जाता तो उनके बच्चे की मौत भी हो सकती थी। वहीं वीडियो बनाने वाले नाबालिग बच्चे के परिजनों का कहना है कि वो खेत में काम करने जा रहा था, उस दौरान उन्होंने किसी के रोने की आवाज सुनी। जब वो कुएं के पास पहुंचा तो उन्होंने देखा कि एक शख्स है जिसने बच्चे का हाथ पकड़कर उसे कुएं में लटकाया हुआ है। बच्चा डर और दर्द से चिल्ला रहा था। जब हमने उससे बच्चे को छोड़ने के लिए कहा तो उसने कहा कि इसने मेरा मोबाइल चोरी किया है और ये कुछ नहीं बता रहा है, इसीलिए उसे ऐसी सजा दे रहा हूँ। इस दौरान हमारे बच्चे ने इस घटना का वीडियो बना लिया। तो इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।